आज 8 मार्च इंटरनेशनल विमेंस डे है, तो हम बात भी खवातीन ही की करते हैं। एक वेब सीरीज और 4 ऐसी फिल्म्स जिनके फीमेल कैरेक्टर्स ने देखने वालों को डीपली इन्फ्लुएंस किया। मुझे तो ना यकीन ही नहीं हो रहा मेरी शादी हो रही है, ऐसा लगता है जैसे सपना हो। तेजोरी से मैं अपने हनीमून पे अकेले आई हूं। ओहो, तो बोट खरीदने गए कि रेंट करने? मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा। जब कोई आपको ढेर सारा प्यार जताए, आपसे रिश्ता बनाए, लेकिन ऐन शादी के वक्त आपको छोड़ के चला जाए, तो आप पे क्या बीत सकती है? यही सब दिखाया गया है फिल्म क्वीन में। शादी टूटने के बाद बजाय रोने धोने के, अपने हनीमून पे अकेले निकल पड़ती हैं कंगना रनौत। जब वो दुनिया एक्सप्लोर करती हैं, तब उन्हें अंदाजा होता है कि ये शादी टूट जाना ही बेहतर था। और फिर पलट कर आ जाता है वही प्यार, लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है। मासूम सी लड़की आज़ादी पाकर कैसा महसूस करती है, उसके जज्बात क्या हो सकते हैं, कंगना ने बेहद खूबसूरती से बताया है रानी के किरदार में। In a place where it's forbidden for women to work, one Afghan family's survival depends on a daughter. जंगजदा अफगानिस्तान से जान बचाकर ईरान में रोजगार की तलाश करती हजारा लड़की बारान अपने बूढ़े वालिद का सहारा बनती है। बारान का बाप एक कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हुए जख्मी हो जाता है। बारान लड़के का रूप धार कर उसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करना शुरू कर देती है। कंस्ट्रक्शन साइट पे एक नौजवान लतीफ को एक दिन पता चल जाता है कि बारान लड़की है, और लतीफ को बारान से प्यार हो जाता है। कंस्ट्रक्शन साइट पे और लतीफ की शख्सियत पे एक औरत के आने के बाद जो खूबसूरत तब्दीली आती है, वो जिस तरीके से बारान फिल्म में दिखाया गया है वो कमाल है। एक ऐसी लव स्टोरी जिसमें कोई गाना नहीं, कोई लव सीन नहीं, औरत के वजूद से रूनुमा होने वाली खूबसूरत तब्दीली को दिखाती ऐसी लव स्टोरी आपने नहीं देखी होगी। ये ईरानियन फिल्म YouTube पे फ्री में अवेलेबल है। This crime is not just heinous, it's insanity. इस लड़की के साथ जो हुआ है मैंने पहले कभी नहीं देखा। 2012 दिल्ली गैंग रेप पे बनने वाली वेब सीरीज दिल्ली क्राइम में फीमेल पुलिस ऑफिसर DCP वर्तिका चतुर्वेदी का किरदार इतना डायनामिक है कि जब भी वो स्क्रीन पे नजर आता है, देखने वाले उसके सहर में आ जाते हैं। DCP वर्तिका गैंग रेप को इन्वेस्टिगेट करने वाली टीम को हेड करती हैं। उनकी अपनी भी एक बेटी है जो उन्हें दिल्ली के अनसेफ होने का ताना देती है। यानी वर्तिका को उन रेपिस्ट को पकड़ने की ऑफिशियल जिम्मेदारी तो है ही, साथ उन्हें अपनी बेटी को एतमाद देना है कि दिल्ली सेफ है। वर्तिका चतुर्वेदी का रोल शिफाली शाह ने प्ले किया है। वेब सीरीज में शिफाली के एक्सप्रेशंस, उनकी एक्टिंग बहुत रियल है, स्पेशली जब रेपिस्ट उस लड़की के साथ होने वाली सारी कहानी बताता है। उस सीन में शिफाली की एक्टिंग पार एक्सीलेंस है। उनके चेहरे पे जो मायूसी और डिस्गस्ट का एक्सप्रेशन है, दैट इज सो रियल। सीरीज में कुछ जगह स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज जरूर है, बट कोई अननेसेसरी इंटीमेट सीन या रेप सीन नहीं दिखाया गया। ये वेब सीरीज आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। कम से कम तुम एथिक्स की बात मत करो। तुम मेरे साथ जॉब ऑफर देकर क्या करना चाहते थे ये तुम भी जानते हो और मैं भी। असली बात जो तुम्हें खाई जा रही है वो ये है कि ये सब तुम्हारे साथ एक लड़की ने किया। कॉर्पोरेट वर्क एनवायरनमेंट पे बनने वाली इस फिल्म में एक लीड फीमेल कैरेक्टर है जिसे बिपाशा बासु ने प्ले किया है। ये फिल्म विमेन सेंट्रिक तो नहीं है, बट बिपाशा का कैरेक्टर किस तरह अपने कंपेटिटर से मुकाबला करता है, किस तरह की प्रॉब्लम्स वो कॉर्पोरेट सेक्टर में फेस करता है, वो बिपाशा ने बेहद खूबसूरती से करके दिखाया है। ऑफिस में काम करने वाले लोग, स्पेशली खवातीन, इस रोल से बेहद रिलेट कर सकते हैं। और कितने एक साल बैठाई घर में, घरवारी की जरूरत अब है, अम्मा बूढ़ी हो गई, घर के काम काज नहीं हो पावत। दिमाग खराब हो गए तो नखरा दिखा था सबको छोड़ आइए आपने। मोड़ी कौन है गांव में? सरपंच के मोड़ा ने जबरदस्ती करनी चाहिए जाके साथ। कहीं भी हो सामने आ जा। एक कमसिन बच्ची जिसको उसका बाप एक बूढ़े शख्स से ब्याह देता है, बचपन से उस बच्ची के साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का जो सिलसिला शुरू होता है वो जवानी तक चलता रहता है। गांव के ठाकुर का बेटा उसे रेप करने की कोशिश करता है, जिस पर वो लड़ पड़ती है। उस लड़ाई के नतीजे में पंचायत उस लड़की को गांव से निकाल देती है। एक रात डाकू आते हैं और उसे उठाकर ले जाते हैं।
डाकुओं का सरदार दिन रात उस लड़की को सेक्सुअली अब्यूज करता है। उस डाकुओं के गैंग में एक छोटी जात का डाकू उस लड़की के साथ होता जुल्म बर्दाश्त नहीं कर पाता और बगावत कर देता है। उस बगावत के नतीजे में सरदार मारा जाता है। यूं उस लड़की और बागी डाकू के बीच में मोहब्बत हो जाती है। आगे जाकर वो बागी डाकू भी कत्ल हो जाता है। तब वो लड़की कातिलों से खुद उसका बदला लेती है। ये कहानी है बैंडिट क्वीन फिल्म की, जो कि एक रियल इंसान कूलन देवी की जिंदगी पे बनाई गई है। शहरों में रहने वाले लोग शायद उस लड़की की कहानी से उस तरह से रिलेट तो ना कर पाएं, लेकिन ये औरतें हमारे मुआशरे का ही हिस्सा हैं, जिनकी आवाज़ बाहर तक कम ही पहुंच पाती है। फिल्म अपने अंदर कमाल है, लेकिन उसमें जान डालती है सीमा बिस्वास की बेहतरीन अदाकारी, जो कि फूलन देवी बनी है। उम्मीद है जब आप ये सब फिल्म्स और सीरीज देखेंगे तो आप भी उनके दारों से उतना ही इंस्पायर होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।